हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ साइड में ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लिया। तो इसका हम नेमिंग लेते हैं, ये है आपका ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 सेंटीमीटर है। तो हाइपोटेन्यूज ये है हमारा हाइपोटेन्यूज ए सी, इसको हम ले लेते हैं 17 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पर बोला इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू सेट, तो कितना सेट का नेमिंग देना बाकी रह गया, ए बी का और बी सी का। तो ट्रायंगल का एक साइड का हाइपोटेन्यूज का मैंने नेमिंग जो मतलब सॉरी जो मेजरिंग दे दिया है कितना, 17 सेंटीमीटर। तो मैंने एसी का मेजरिंग दे दिया 17 सेंटीमीटर, और कितने साइड बच गए, दो साइड। तो यहीं पर बोल रहा है, यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब दो बच गए हैं जो साइड ट्रायंगल के, उनमें से दोनों में से एक किसी का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इन ए डी और बी सी में से कोई एक को आप मान लो 8 सेंटीमीटर। सपोज मैंने मान लिया ए बी को मान लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आप बी सी को भी मान सकते हो 8 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोला है कि दोनों में से कोई एक है 8 सेंटीमीटर, कोई भी एक पकड़ लो आप 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन बचा, बी सी होगा हमारा थर्ड साइड बन जाएगा। अगर ये दो साइड हो गए तो थर्ड साइड हमारा कौन बन जाएगा, बी सी हमारा थर्ड साइड हो जाएगा। अगर आपने बी सी को 8 सेंटीमीटर पकड़ा होता तो आपका ए बी थर्ड साइड हो जाता, ठीक है। अच्छा, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो तो हमें बोला लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड का लेंथ हमें पता करना है, मतलब बी सी का लेंथ हमें पता करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दो, या फिर यहाँ पर आप एक्स भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम पहले यहाँ लिखेंगे आपको सॉल्यूशन एग्जाम में लिखना कैसे है। तो पहले यहाँ पर लिखोगे हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल, हियर इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी कितना है, ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है बी सी। तो हम बी सी कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर दो आप, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ आपको सब ऐसा लिखना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चला, जैसे हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को कौन है बताओ मुझे, इसके अंदर ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो आप यहाँ पर लिख दो ए सी, ए सी का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, देखो बेस क्या है, बेस से बी सी हमारा,
ठीक है, बेस है बी सी हमारा, बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना है हमारा, ए सी, ए सी का मेजरमेंट देखो यहाँ पर गिवन होगा, ए सी का मेजरमेंट यहाँ पर गिवन है 17 सेंटीमीटर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, बी सी कौन है, बी सी हमें पता नहीं है, बी सी को आप ऐसे लिख दो, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, फिर ए बी कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 या फिर 8 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो काम को आप सेंटीमीटर ही लिख दो, क्योंकि हम मैं सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना, आप सेंटीमीटर लिख दो आप। सेंटीमीटर दे दो यहाँ पर, यूनिट का नाम मतलब जो यूनिट है वो दे दो आप। देखो बच्चों उसके बाद हम यहाँ पर उसका नेमिंग यहाँ पर उसको फुल देंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो सेंटीमीटर जो हम नहीं लिखे थे उसको हम लिखेंगे, सेंटीमीटर दे के हम लिखेंगे उसको। तो यहाँ पर देखो तो ए सी का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए सी क्या है 17 लिखो, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, बी सी क्या है देखो, बी सी हमें पता नहीं है तो बी सी वैसे रखो, बी सी का स्क्वायर वैसे ही रखो, प्लस यहाँ पर ए बी है, ए बी कितना है हमारा 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 ए बी, सॉरी ए बी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पर 17 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर 17, यहाँ पर 18 होगा, ठीक है, यहाँ पर 18 होगा जो 8 होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 का स्क्वायर तो उसको वैसे ही रखो यहाँ पर 17 का स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर को इधर, अब हमें बी सी निकालना है ना, तो बच्चों ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर बन के जो हुआ है, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है आपका, आप एक काम करो, ये जो आर एच एस में कौन है, बी सी का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको आप सब लेके एल एच जो आर एच एस में उसको इधर, मतलब इक्वेशन को यहाँ पर आप उसको मतलब उल्टा कर दो, बी सी स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मतलब एल एच एस कर दो, ठीक है, और 17 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप आर एच एस कर दो, हम इक्वेशन को यहाँ पर चेंज कर देंगे, हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आप कोई पूछेगा यहाँ पर सर आपने चेंज क्यों किया, तो चेंज बच्चों इसलिए मैंने किया ताकि हमारा बी सी का वैल्यू निकले, हम हमेशा चाहेंगे कि जो हमारा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो होगा जिसका वैल्यू मतलब निकालना होगा वो हमेशा एल एच एस की तरफ रहता है, तो बी सी का वैल्यू मुझे निकालना है, और यहाँ पर मैंने देखा कि बी सी का वैल्यू कहाँ पर आया, क्या बी सी का वैल्यू कहाँ, यहाँ पर है, बी सी का नेमिंग यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको एल एच एस कर दिया। अब देखो बी सी का स्क्वायर निकलेगा वैल्यू, बी सी का स्क्वायर कितना वैल्यू होगा, उसके बाद हम बी सी का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, तो ये सब क्या होगा, जो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एल एच एस की तरफ है, जो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आर एच एस की तरफ ऑलरेडी हमारा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही था, ये जो प्लस एट सेंटीमीटर स्क्वायर एल एच एस की तरफ है, ये जब आर एच एस की तरफ आएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है चलो। तब तो इसको हम करते हैं, ये हुआ आपका बी सी का स्क्वायर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो यहाँ पर लिख दो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद देखो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, अब इसको माइनस करते हैं, चलो 289 को हम माइनस करेंगे किसके साथ, 64 के साथ, अब इसको माइनस करो साइड में यहाँ पर रफ में, तो माइनस बच्चों जब करोगे तो इसका 9 से 4 गया, ये हो गया आपका 5,
एट से ये हो गया आपका टू, ये हो गया टू, कितना आंसर निकला 225। तो यहाँ हम लिख देंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बीसी का वैल्यू कितना निकलेगा, जैसे आपका बुक का मेथड में बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट समझाया था, ठीक है, उसी तरह मैं आपको बुक का एक मेथड भी बता देता हूँ। बुक आपके बुक में जो लिखा हुआ है, आपको बुक में पता है बच्चों क्या लिखा हुआ है, इधर क्या बीसी का स्क्वायर है ना, तब इसको भी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी आप स्क्वायर के फॉर्मेट में लाओगे। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो 225 आ जाएगा, तो वो नंबर होगा 15। 15 सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप तुम सॉल्व करोगे तो आंसर निकलेगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखना चाहते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का मतलब स्क्वायर कितना आंसर निकलेगा, इसका मतलब क्या, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 15 सेंटीमीटर दो बार मल्टीप्लाई हुआ है इधर, दो बार मल्टीप्लाई करो तो नंबर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा 225 निकलेगा, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये है हमारा क्वेश्चन तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वहाँ, यहाँ पर मैंने वैसे ही किया है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने लिखा है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब तो यहाँ बी सी का भी स्क्वायर है इधर, और जब 15 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बी सी का वैल्यू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आपका बुक का मेथड है, ये आपका बुक का मेथड से मैंने यहाँ पर निकाला बी सी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, और मैंने जो आपको सिखाया था उस पर उसका भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, उसका भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो साइड में, उसका भी यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि हमें स्क्वायर रूट में कैसे करना है। आपको एक्चुअली वही आपको यह पता होना चाहिए स्क्वायर रूट वाला, ताकि आपको जो हायर क्लास जब होगा तो वही चीज़ आपको सब अप्लाई करना है। ठीक है, तभी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ पर हमारा बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था बी सी का मुझे वैल्यू निकालना है, तो बी सी के ऊपर जो स्क्वायर है ना बच्चों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मैं आपको सिखाया था स्क्वायर रूट हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू क्या हुआ, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 15 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, हो गया बी सी का वैल्यू हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलो सर 225 को हम कैसे सोचेंगे कि हाँ वो 15 का ही होगा, तो उसको निकालने के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा, इसी क्लास में बता देता हूँ, आप देख लो। वो आपको एक्चुअली वो क्लास 8 का पढ़ाई है, बट यहाँ पर आपको स्कूल में भी बोलेंगे कि आपको 1 से लेकर, जैसे मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर्स याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप याद कर लो तो वो मेथड में नहीं बताऊँ, कुछ दरकार नहीं बताने का। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप जानना चाहते हो कि नहीं, या फिर याद करना चाहते हो। आप अगर याद कर लोगे तो वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद कर लो। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर मतलब ऐसे ये वाला, देखो ऐसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 4। आपको ऐसे सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर वैसे 16 होगा, इसी तरह आप ऐसे कर करके आपको कहाँ तक 20 का स्क्वायर तक आपको याद करना है, 20 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 400। तो 1 से लेकर आपको 1 to 20, आपको 1 से लेकर 20 तक सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, आप याद इसको कर लो तो आप इस यहाँ पर समझ पाओगे कि 225 को मैंने 15 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब चिंता मत करो, हमेशा क्वेश्चन जो देगा 1 से लेकर 20 के अंदर ही वो देगा, उससे बाहर नहीं देगा। क्वेश्चन आपको बुक में जो होगा ना, वो 1 से लेकर 20 के अंदर ही स्क्वायर वो पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 225 किसका स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर है, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, हमारा बी सी का वैल्यू निकल चुका है 15 सेंटीमीटर। इसको अब लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पूछा है ना फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड सेट, यहाँ पर स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में जो आप लिखे थे ए बी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लिख दो आप जो बी सी इज द थर्ड सेट है, वैसे यहाँ पर लिख दो बी सी इज द स्टेटमेंट, आप ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर कर दो कि बी सी इज द थर्ड सेट, दिस इज द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसलिए जब जब आपका बी सी का जब वैल्यू यहाँ पर निकल जाए तो देयरफॉर करके यहाँ पर लिख दो बी सी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज, यहाँ पर देयरफॉर करके स्टेटमेंट लिख दो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।